फ्रेंड वेलकम टू माय आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के लिए आप लोग को गांव का गार्डन दिखाने जा रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारा गार्डन है। देखिए ये पूरा पूरा गांव का ये गार्डन है फ्रेंड, देखिए। और यहां पे हम आपको दिखाएंगे यहां पे कौन कौन से फ्लावर्स हैं, क्या क्या हैं। देखिए फ्रेंड ये रोज़ भी खिले हुए हैं, कलियाँ हैं अभी दो, ये भी खिलेंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारे दादाजी हैं, ये हमें सारे फ्लावर्स के बारे में बताएंगे। बताइए दादाजी ये कौन से फ्लावर हैं? इसे बागन बिलिया कहते हैं या बागन बिलास। अच्छा बागन बिलिया। देखिए ये बहुत ही प्यारे फ्लावर हैं। देखिए फ्रेंड ये सो प्लांट है, ये बहुत ही अच्छे हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसके बारे में भी हमारे दादाजी आप लोग को बताएंगे। बहुत खूबसूरती ज़्यादा ही है इसकी, इसको क्रोटन कहते हैं। इसकी विशेषता है कि इन ए सिंगल प्लांट सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स यू विल फाइंड, वेरीगेटेड लीव्स। हाँ देखिए फ्रेंड दादाजी ने बताया, और देखिए ये कितने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। आप इन्हें अपने घरों में लगा भी सकते हैं। इस प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखिए फ्रेंड ये भी एक प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसमें अभी फ्लावर्स आए नहीं है बट आते हैं तो बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। इसके बारे में भी हमारे दादाजी बताएंगे आप लोग। उधर का मत लो यार ऐसे। हाँ हाँ दादाजी का ही ले रहे। दादाजी बताइए उस फ्लावर के बारे में। या इसको क्राइनम कहा जाता है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल बंच में फ्लावर्स आते हैं, व्हाइट कलर के। हाँ व्हाइट कलर के। देखिए फ्रेंड यही है, इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं और बहुत ही अच्छा स्मेल भी करता है। देखिए फ्रेंड ये मनी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए इसको घर के अंदर भी लगाया जा सकता है, काफ़ी लोग तो इसको टेबल पे भी रखते हैं अपने स्टडी टेबल पे, पानी बॉटल में पानी भर के, वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इस पौधे में मनी प्लांट में कई प्रकार की पत्तियां आती हैं। हाँ हाँ देखिए फिर बच्चों के स्टडी के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होगा। देखिए फ्रेंड ये गांव के गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके बारे में आप लोग को अभी और हम बहुत कुछ दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है गांव में। देखिए यहाँ इस गार्डन में क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हम आपको और सारी चीज़ों को दिखाते हैं। ये फ्लावर भी देखिए फ्रेंड कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस फ्लावर के बारे में भी हमारे दादाजी बताएंगे। जूम कर लो। जोरा कहलाता है ये पौधा। कई बार फूल आते हैं और इसकी खूबी है कि फूल लंबे समय रुकते हैं और हमेशा बंच में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। देखिए देखिए इसे भी आप अपने घरों में लगा सकते हैं, अपने गार्डन में, घर के बाहर, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड ये लीली हैं, ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं खिलने के बाद। देखिए और एक आध दो कलियाँ भी हैं इसमें, देखिए और सारे खिल चुके हैं। देखिए देखिए इस फ्लावर के बारे में भी हमारे दादाजी बताएंगे, आइए उनसे हम पूछते हैं। साल में कई बार फूल देता है और इसकी विशेषता है कि हॉर्न जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इसको हॉर्न लिली कहते हैं। देखिए फ्रेंड इस गार्डन में गुड़हल का भी पेड़ है, देखिए, और ये नारियल है, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए 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 ये नारियल है, नारियल का पेड़ है और ये गुड़हल है, पूरी खिली हुई है। देखिए देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अभी और आप लोग को और सारे फ्लावर्स को दिखाते हैं हम। देखिए फ्रेंड एक ये भी है, कितना अच्छा लग रहा है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है, आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसके बारे में भी हमारे दादाजी बताएंगे। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा खिला हुआ है, इसके बारे में भी हमारे दादाजी बताएंगे। आइए दादाजी से जानते हैं इस फ्लावर के बारे में भी। इस सुंदर पौधे को गुलाचीन कहा जाता है, वैसे इसका वास्तविक नाम है टेम्पल ट्री, क्योंकि यह पहले भारतवर्ष में अधिकांश मंदिरों के पास या मस्जिद के पास ही लगाते थे लोग। यह रिलीजियस पौधा माना जाता रहा है, इसलिए इसको टेम्पल ट्री भी कहते हैं।
देखिए फ्रेंड, इस फ्लावर के बारे में हमारे दादाजी ने बताया, इसका नाम गुलाचीन है। देखिए फ्रेंड, एक ये भी फ्लावर है, इसके बारे में भी हमारे दादाजी आप लोग को बताएंगे। चलिए दादाजी से जानते हैं इस फ्लावर के बारे में भी। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में भी आइए जानते ही हैं दादाजी से। देखो, मालती लता कहते हैं, और ये इसकी खूबी है कि यह क्लाइंबर है और साल में कई बार फूल देता है, और सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बंच में कई रंग के फ्लावर्स मालूम पड़ते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, घंटों या आवर्स के बाद दिन और रात में, तो कई रंग के फूल उसमें हो जाते हैं। जो सबसे पहले फूल आता है वो सफ़ेद होता है, फिर उसके बाद गुलाबी, फिर उसके बाद डार्क कलर, ये इसकी विशेषता है। अच्छा ये फ्रेंड, इस गार्डन में कुछ औषधियों के भी पौधे हैं। ये हैं लेमन ग्रास, जिसको हम चाय में डालते हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं पूरा। देखिए फ्रेंड, ये तुलसी के भी पौधे हैं, दिखाते हैं नीचे से आपको। देखिए, देखिए फ्रेंड ये अजवाइन के पौधे हैं। देखिए इसमें कितने अच्छे, इस गार्डन में सारी चीज़ें हैं, औषधि, अजवाइन, इसके बारे में हमारे दीदी बताएंगे। इस समय कोरोना के टाइम में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता हमें काढ़ा बनाने के लिए होती है, जैसे गिलो हो गया, अजवाइन हो गया, लेमन प्लांट हो गया, और जैसे तुलसी हो गया। ये सारी चीज़ें भी हमारे इस गार्डन में उपलब्ध हो जाती हैं। फूलों के साथ साथ ये हमारे छोटे मोटे औषधियों का भी गार्डन है। देखिए फ्रेंड, इस गार्डन में चबूतरे भी हैं, यहाँ पे लोग बैठ के चाय पीते हैं। देखिए, दो चबूतरे हैं फ्रेंड, देखिए हाँ यहाँ पे, और ये नीम का भी पेड़ है इस गार्डन में। देखिए, यहाँ पे छाव भी रहता है, यहीं पे बैठ के लोग पीते हैं चाय वगैरह। देखिए फ्रेंड, ये अनार के पेड़ हैं, इसमें छोटे छोटे अनार भी आ चुके हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस गार्डन में अनार के भी पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा हमारे गांव का ये गार्डन है फ्रेंड। देखिए, शाम का वक्त हो गया है फ्रेंड, सब लोग बैठे भी हैं चबूतरे पे। आइए, हम इस गार्डन में दिखाते हैं आपको, एक हैंडपम्प भी है, आइए दिखाते हैं हैंडपम्प हम। देखिए फ्रेंड, ये हैंडपम्प है, इसे हम चला के भी। देखिए फ्रेंड, इस गार्डन में ये हैंडपम्प भी है, बहुत अच्छा है, इसमें ठंडा पानी भी है एकदम। देखिए फ्रेंड, ये हैंडपम्प ना 100 साल से भी पुराना है, दादाजी ने हमको बताया कि ये हैंडपम्प 100 साल से भी पुराना। देखिए फ्रेंड, अब अंधेरे हो रहे हैं, और इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग लेके आएंगे जरूर जल्दी ही, क्योंकि इस गार्डन में बहुत सारे अभी फ्लावर्स बाकी रह गए हैं, और पेड़ भी बहुत सारे बाकी रह गए हैं जिसको दिखाना। और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो लाइक करें, शेयर करें, कम पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स और पेड़ बाकी रह गए हैं फ्रेंड।